विरोधी हैं और इसलिए इसे बैन कर देना चाहिए। सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव हैं शाह हसनैन बकई साहब, उनसे बात करते हैं। बैन करने की मांग आप लोग कर रहे हैं और राष्ट्र विरोधी भी बता रहे हैं इस संगठन को? बिल्कुल, राष्ट्र विरोधी है जो भी हमारे मुल्क के खिलाफ गतिविधियां करता है, मुल्क के खिलाफ बोलता है, मुल्क के खिलाफ किसी भी साजिश में शामिल रहता है, तो उसको राष्ट्र विरोधी ही बोला जाएगा। राष्ट्र विरोधी आप बता रहे हैं, आपने कहा कि इसके बारे में आपने कोई तहकीकात भी की है? बिल्कुल तहकीकात की। आप अगर केरला की इनकी संदिग्ध गतिविधियां या उनके ठिकानों पे आप छापेमारी के बारे में अगर देखें या सहारनपुर के बारे में देखें या अन्य पश्चिमी जिलों पे अगर आप गौर करें तो वहां पर बहुत सी ऐसी चीजें, संदिग्ध वस्तुएं मिली हुई हैं जिसमें हथियार भी शामिल हैं, जिसमें ऐसे एंटी मतलब इंडियन एलिमेंट्स वहां पे मिले हुए हैं जो कि हिंदुस्तान के खिलाफ है, हिंदुस्तान की रणनीति के खिलाफ है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। लिहाजा इसको हमारे पास कई ऐसे सबूत हैं जिसके मुताबिक हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को भी संबोधन में इस पे किया हुआ है, संबोधन किया हुआ है। हमारे राष्ट्रीय राष्ट्रपति महोदय और हमारे प्रधानमंत्री महोदय और गृहमंत्री महोदय को एक चिट्ठी लिखी हुई है और सबूतों के साथ चिट्ठी लिखी हुई है कि इसको तत्काल रूप से हिन्दुस्तान से बैन किया जाए। ये हमारी मांग भी थी। पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी ताकतों में लगे हुए हैं। साफ तौर पर अगर ऐसा नहीं होता है, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे, राष्ट्रपति को पहले से ही पत्र लिखा गया है और पत्र के माध्यम से ये मांग करेंगे कि पीएफआई जैसे संदिग्ध संगठनों को फौरन बैन कर देना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ 8, उत्तर प्रदेश।